दिल्ली में हिट एंड रन केस में एक दिल दहला देने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें एक महिला ने एक शख्स को गाड़ी से टक्कर मारी। अस्पताल जाते वक्त एक शख्स की मौत हो गई। टक्कर मारने वाली महिला और उसका पति इस व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद फरार हो गए। यह है दिल्ली के राजौरी गार्डन का वीडियो। सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कि कैसे एक शख्स को सफेद रंग की वैगनार कार टक्कर मारकर घसीट रही है। ये वीडियो 8 अप्रैल की सुबह 6:45 का है। जिस शख्स को महिला ने टक्कर मारी वो पेशे से ड्राइवर था और बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला था। नाम प्रमोद है, उम्र 40 साल। सुबह प्रमोद अपने काम पर जा रहा था कि अचानक पीछे से वैगनार कार ने उसे टक्कर मार दी। वो बचने की कोशिश करता रहा लेकिन कार उसे घसीटती रही। टक्कर मारने के बाद प्रमोद को कार करीब 12 फीट तक घसीटती रही। फिर वैगनार कार सड़क पर खड़ी सफेद रंग की सेंट्रो कार से टकरा गई। ये शख्स दोनों कारों के बीच में आ गया। इसके बाद वैगनार कार में सवार महिला और उसके साथी ने प्रमोद को उठाकर कार में बिठाया, उसे दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में लेकर गए, लेकिन रास्ते में ही इस शख्स की मौत हो गई। अस्पताल में पहुंचते ही दोनों फरार हो गए। जिस महिला ने प्रमोद को टक्कर मारी वो ड्राइविंग सीख रही थी और उसका पति उसे सिखा रहा था। पुलिस को घटना की जानकारी मिली। पुलिस ने जब सीसीटीवी खंगाला तो सारे राज खुल गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी महिला को अरेस्ट कर लिया है, साथ ही उसकी वैगनार कार भी जब्त कर ली है।